हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 3, जिसमें हम हमारा दूसरा टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में मापन, उसके बारे में पढ़ रही थी। ठीक है, तो इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी जो विमाएँ हैं इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की विमा होगी क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे। तो जब तक आपको मतलब जो मूल मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में, 7 मूल मात्रक होते हैं, वो याद नहीं रहेंगे तो आप व्युत्पन्न मात्रक नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आप वो दोनों क्लासें देख लें मापन की, इसके बाद ये क्लास आप देखें ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो सकें और आप समझ सकें। ठीक है, इससे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जो ब्रह्मांड है वो हो चुका है, उसके हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, 15 क्वेश्चन हम करते हैं। तो आप पहले पूरा टॉपिक कवर कर लें, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इससे पहले व्युत्पन्न मात्रक पढ़ें, पहले आपको जानना चाहिए मूल मात्रक। तो एक बार हम मूल मात्रक जो होते हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो मूल मात्रक होते हैं 7, इनकी ज़रूरत आपको हर जगह पढ़ने वाली है, तो इनको आप अभी याद कर लें कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो पहला तो होता है लंबाई, और लंबाई को कहते हैं एल, तो आपको एल की ज़रूरत पड़ेगी। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, तो एम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, द्रव्यमान को कहते हैं मास, और इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मूल। तो ये 7 मूल मात्रक याद रखिए, इन्हीं से अब हम व्युत्पन्न मात्रक और उनकी विमाएँ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये क्या कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, तो जो मूल मात्रकों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो यांत्रिकी में हम केवल 3 मूल मात्रक पढ़ने वाले हैं। 3 मूल मात्रक कौन कौन सी, तो एक तो आपका द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान को कहते हैं हम मास, क्या कहते हैं मास। ठीक है, और द्रव्यमान का आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है आपका लंबाई, लंबाई को क्या कहते हैं, तो लंबाई को कहते हैं लेंथ, लेंथ, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ पर मास और मीटर याद रखना, ठीक है, अलग अलग है। अब एक होता है आपका समय, समय अर्थात टाइम, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो आपको हर जगह जब आप विमा निकालेंगे तो एम, एल और टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम से आपको याद रखना है ये क्या है आपका, एम मतलब मास, ये द्रव्यमान है, एल मतलब आपकी लेंथ अर्थात लंबाई है, और टी मतलब आपका टाइम अर्थात समय है। फिर मास यदि आपसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछ ले तो किलोग्राम, लेंथ का एसआई मात्रक मीटर, और टेम्परेचर सॉरी ताप का एसआई मात्रक सॉरी समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। केवल 3 मूल मात्रकों की सहायता हमें पढ़ने वाली है। हर एक राशि की जब आप विमा निकालेंगे तो यही आपको तीनों मूल राशियाँ काम में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अर्थात एरिया कहलाता क्या है, तो किसी भी बंद आकृति मतलब कोई भी बंद आकृति हो वो जितना स्थान ग्रहण करती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब आपको सूत्र भी याद रखने हैं, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अभी हमने पढ़ा कि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मतलब लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो आपकी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, फिर यहाँ पर वर्ग मीटर कैसे हो सकता है इसका मात्रक, तो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, इसमें इसको किसी ना किसी रूप में मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, तो लंबाई एक छोटा मात्रक मतलब छोटी दूरियों को मापने के लिए लंबाई विकसित की गई थी, मतलब ये मूल मात्रक होता था, लेकिन इसी का विकसित रूप बनाया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मापने के लिए ये इस्तेमाल किया गया, तो इसे वर्ग मीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं हम, मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर और मीटर जोड़ करके क्या हो गया, वर्ग मीटर, क्या हो गया, वर्ग मीटर, या ऐसा लिखेंगे, ठीक है, वर्ग मीटर। तो इस तरीके से आपके क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकल करके आ जाता है वर्ग मीटर। अब जैसे आपसे कह दिया कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है इसकी विमा ज्ञात कीजिए, तो ये विमाएँ कहलाती क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः एल, एम, टी संकेतों का प्रयोग करते हैं। यांत्रिकी में विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को
एल एम और टी की विभिन्न घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और आपकी चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और लंबाई को कहते क्या है, लेंथ। क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ हुई, तो लेंथ मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी बीमा निकल करके आ जाती है। और ये कोष्टक का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी बीमा में ये कोष्टक नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो इस तरीके से इसकी बीमा निकल करके आ जाती है एल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तो द्रव्यमान है और ना ही आपका समय है, तो इन राशियों को नहीं लिया है, केवल यहाँ पर लेंथ अर्थात लंबाई दी गई है, और दो बार लंबाई का मापन कर रहे हैं, इस कारण इसकी बीमा हो जाएगी लेंथ स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है, यदि किसी राशि का हमें एसआई मात्रक ज्ञात है तो हम उसकी बीमा निकाल सकते हैं, और यदि हमें किसी राशि की बीमा ज्ञात है तो हम उसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। अब यहाँ ये दिया है क्षेत्रफल का मूल मात्रक, तो ये हो गया वर्ग मीटर, और इसकी बीमा हो जाती है, जैसे वर्ग मीटर दिया है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो लंबाई अर्थात लेंथ होती है, और ये भी आपकी लेंथ ही मान करके चलिए। तो इस तरीके से ये हमें इसका एसआई मात्रक ज्ञात था, इससे हमने इसकी बीमा निकाल दी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमें ये पता है कि लेंथ स्क्वायर मतलब दो बार किसी चीज़ की दूरी को मापा गया है, तो उसको हम वर्ग मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब दिया है क्षेत्रफल का बिम्बीय सूत्र, मतलब कैसे निकालेंगे हम, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई में आपको बता दें कि यहाँ पर ना तो आपका द्रव्यमान है और ना ही आपका टाइम दिया गया है, ना ही आपका क्या दिया है, टाइम दिया है। यहाँ पर केवल आपकी लेंथ दी गई है, और वो भी कितने बार निकाली है, दो बार। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो वहाँ जीरो की घात लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब जीरो की घात है तो इनका लिखने का मतलब ही नहीं है, तो इस कारण से हम इसको केवल लेंथ स्क्वायर लिख देते हैं, और एक कोष्टक का ध्यान आप रखेंगे। तो ये होती है आपके क्षेत्रफल की बीमा। नेक्स्ट है आयतन, आयतन अर्थात वॉल्यूम, तो इसका सूत्र लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीन बार है, मतलब इन तीनों को ही मीटर में मापेंगे, तो इसका हो जाएगा एसआई मात्रक घन मीटर। क्या हो जाएगा, घन मीटर, एसआई मात्रक हो गया घन मीटर। ठीक है, अब इसका जो सूत्र हो जाएगा, यहाँ भी ना तो द्रव्यमान है आपका और ना ही आपका टाइम दिया है, केवल यहाँ पर लेंथ दी गई है, वो भी कितने टाइम, तीन टाइम। तो इसका जो बिम्बीय सूत्र है वो एल के ऊपर तीन की घात, सॉरी ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयतन का बिम्बीय सूत्र। अब दिया है नेक्स्ट घनत्व, तो घनत्व का बिम्बीय सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दें कि घनत्व का जो आपका सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आपका मूल राशि क्या होती है, द्रव्यमान होती है, और द्रव्यमान को क्या कहते हैं, हम मास कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और आयतन का हमने अभी पढ़ लिया, एसआई मात्रक क्या होता है, घन मीटर। तो जब द्रव्यमान बटे आयतन है तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, और आयतन को किस में मापेंगे, घन मीटर में मापेंगे। तो ये हो गया आपका घनत्व का एसआई मात्रक। अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो जब भी कोई भी राशि बटे में होती है और जब वो ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो एम एल और टी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया है, तो यहाँ पर कुछ घात नहीं होती तो एक की घात मानी जाती, तो एम के ऊपर एक की घात हो गई। फिर आपका लेंथ अर्थात आपका क्या है, यहाँ पर लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, और इसका मान कितना दिया है, तीन, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा, और समय हमारा दिया नहीं गया तो जीरो निकल के आएगा। तो इसका बिम्बीय सूत्र हो जाएगा आपका एम के ऊपर एक की घात, एल के ऊपर माइनस थ्री की घात, और टी के ऊपर जीरो की घात। तो ये आपका बिम्बीय सूत्र निकल करके आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चाल, चाल जो होती है कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी को तय करती हो उसे उसकी चाल कहते हैं, और ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो इसका जो दूरी का एसआई मात्रक वो मीटर है, और समय का होता है सेकंड। तो ये किसका मात्रक निकल के आ जाता है, चाल का। तो सूत्र आपको याद होंगे तो आप आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक याद है तो आप उसकी बीमा निकाल सकते हैं। अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो वही एम एल और टी लिखेंगे। तो यहाँ द्रव्यमान कुछ दिया नहीं है तो जीरो हो गया, फिर मीटर एक की घात है मतलब यहाँ एक, और ये सेकंड, सेकंड पर एक की घात है लेकिन ये बटे में है, और ऊपर जाएगा तो माइनस एक की घात हो जाएगी। तो ये निकल के आ गया सूत्र, बिम्बीय सूत्र। ठीक है, किसका, चाल का। तो इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ विस्थापन। तो विस्थापन का कोई बिम्बीय सूत्र नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट ये कहलाता क्या है और ये क्यों पड़ रहे हैं। तो जो आपका बेग आएगा अगला, आपकी जो राशि है बेग, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो विस्थापन का मतलब ही आप समझिए कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाते हैं, वो आप विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, यही विस्थापन कहलाता है। तो जब हम कुछ दूरी तय कर रहे हैं विस्थापित होने में, तो दूरी को किस में मापते हैं, हम मीटर में। तो इसी तरह से जो विस्थापन होता है उसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, मतलब ये अंतिम स्थिति है और ये प्रारंभिक स्थिति, इसके बीच की जो दूरी है, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। तो यही विस्थापन कहलाता है और यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन का मान जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो पिछली बार आपके वर्ग दो में यही क्वेश्चन पूछा था, दिया था विस्थापन के बारे में असत्य कथन बताइए, पेडागोजिकल बेस बना करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखें। अब देखते हैं हम बेग, बेग को कहते हैं वेलोसिटी। तो क्या कहलाती है, तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है या विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का बेग कहते हैं। और बेग भी आपकी एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशियां हम पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो जरूर देख लें। तो सूत्र याद रखना है आपका, बेग क्या कहलाता है, बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे आयतन। तो अभी हमने पढ़ा विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, और आयतन को मापते हैं घन मीटर में, ठीक है, घन मीटर में। तो वही एम L और T, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो कुछ दिया नहीं है, मतलब जीरो की घात हो गई। फिर यहाँ पर दी गई है दूरी, और दो प्रकार से दी है, तो M, L और T के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर L मतलब इस पर कुछ घात नहीं है, तो एक लिखें या ना लिखें सेम ही बात होती है, लेकिन जब कोई साइन चेंज होता है तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये हो गई, और बटे में क्या दिया है, यहाँ पर L के ऊपर तीन की घात दी गई है, और जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर माइनस तीन की घात हो जाएगी। और जब यहाँ पर माइनस तीन में आपका, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आपको बता दें कि ये सूत्र गलत दिया गया है। क्या दिया है, गलत, क्योंकि जो बेग होता है, बेग का आपका, बेग कहें या चाल कहें, इसका जो आपका सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, सॉरी दूरी बटे समय होता है, तभी तो ये निकल के नहीं आ रहा था, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। अब इसकी जो विमा निकालेंगे वो एम एल टी के फॉर्म में निकालेंगे, तो द्रव्यमान नहीं दिया है तो जीरो हो गया आपका मीटर में। लेंथ दी गई है मतलब कुछ घात नहीं है, एक की घात है, तो एक लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। और जो सेकेंड दिया है वो एक की घात इस पर भी होगी, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन की घात यहाँ पर हो जाएगी। तो एम जीरो एल टी माइनस वन, ये आपके बेग की विमा हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये सूत्र आप चेंज कर, यहां पर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दिया गया है त्वरण। एक्सेलरेशन ये क्या कहलाता है, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, और त्वरण को ए से डिनोड करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है आपका त्वरण का, तो ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन मतलब कुछ दूरी तय करेगा, तो इसे मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है दूरी बटे समय का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो विमा निकालेंगे एम एल और टी के फॉर्म में, यहाँ जो समय होता है वो वर्ग सेकंड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब त्वरण का जो बिम्बीय सूत्र होता है, तो द्रव्यमान नहीं है मतलब जीरो, यहाँ पर आपका लेंथ दी गई है मीटर में, कुछ नहीं है मतलब एक की घात है, और सेकंड ये समय दिया है इस पर दो की घात है, और ऊपर जाएगा तो माइनस दो की घात यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपके त्वरण का बिम्बीय सूत्र होता है। नेक्स्ट है बल, बल जिसे कहते हैं फोर्स, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे त्वरण, ठीक है। तो त्वरण अभी हमने देख लिया, इसका सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एसआई मात्रक या तो न्यूटन होगा या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तीनों राशियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो किलोग्राम केवल एक राशि है मतलब वन की घात, और आपका यहाँ पर मीटर इस पर भी एक की घात, और सेकंड पर दो की घात है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस दो की घात यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका बल का एसआई मात्रक और बिम्बीय सूत्र।
अब देखते हैं संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो एसआई मात्रक द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और वेग का भी हमने निकाला था क्या होता है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, मतलब माइनस वन की घात होती है। तो इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, तो एम एल टी के फॉर्म में निकालेंगे। तो एम यहाँ द्रव्यमान दिया है एक मीटर एक, और जो सेकेंड है वो ऊपर जाता है, तो माइनस वन ही पहले से ही दिया गया था, ठीक है, या फिर इसे केवल हम सेकेंड लिख सकते हैं और ऊपर जाएगा, मतलब ए गुणा में है, और इसको हम बटा में लग सकती, मतलब प्रति सेकंड लग सकती थी, ठीक है। तो ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक। तो दिया गया है आवेग इम्पल्स जिसे कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है बल गुणा समय। तो बल का आपको एसआई मात्रक और बल का विमीय सूत्र याद रखना है, एम एल टी माइनस टू रट लेना है, तो क्योंकि ये आगे की जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं सब में हेल्प करेगा। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है, किसका, आपकी बल का, ठीक है। और बल का एसआई मात्रक यदि पूछता है तो न्यूटन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसका एसआई मात्रक तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इससे हम इसकी विमा कैसे निकालेंगे आवेग की, तो एम एल और टी, तो किलोग्राम, किलोग्राम दिया गया है मतलब एक की घात है, ठीक है, फिर मीटर, मीटर पर भी किसकी घात है एक की, और सेकंड, सेकंड पर एक की घात है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस एक की घात इस पर हो जाएगी। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, एक जहाँ पर प्लस है माइनस वाला लिखना ज़रूरी होता है। तो एम एल टी माइनस वन आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा, और ये इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है दाब, जिसे प्रेशर कहते हैं। दाब का सूत्र होता है बल इंटू क्षेत्रफल, मतलब बल बटा इंटू नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल वही आपका काम में आने वाला है न्यूटन, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे, या इसको न्यूटन को हम किलोग्राम लिखते हैं, ठीक है, किलोग्राम में व्यक्त भी कर सकते हैं, इंटू मीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स। अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो वही एम एल टी, और एम कितना है एक है आपकी, यहाँ पर लेंथ दी गई है बटे में है, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस वन में हो जाएगी, और ये समय भी दिया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी, बल इंटू विस्थापन। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका विमीय सूत्र आप देख सकते हैं कैसे निकालना है, या आप स्वयं से देखें आप। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय, एसआई मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। अब आपको बता दें कि आप 11th क्लास की जो भौतिक विज्ञान की बुक होती है युगबोध वाली, उस पर 70 नंबर पृष्ठ देखेंगे तो वहाँ पर आपकी ये विमाएँ दी गई हैं, लगभग 45 विमाएँ दी गई हैं, ठीक है। और यदि आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट होती हैं केवल वही कर लेते हैं जितनी ये हमने बताई हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन बनता है इतनी ही राशियों में से। अब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि विमाहीन राशियां कौन सी, मतलब जिनकी कोई भी विमा नहीं होती, तो ऐसी राशियां आपको बता दें, आप उनका नाम याद रखेंगे। एक तो होती है आपकी आपेक्षिक घनत्व, क्या होती है, आपेक्षिक घनत्व होती है। दूसरी आपकी राशि होती है विकृति, ठीक है, विकृति की भी कोई विमा नहीं होती। और एक होती है आपकी कोण, क्या होती है, कोण होती है, इसकी भी कोई विमा नहीं होती है। तो ये तीन राशियां आपको याद रखनी है, इनकी कोई विमा नहीं होती है, और ना ही इनका क्या होता है, कोई भी मात्रक होता है, ठीक है। जैसे आपकी विकृति है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन आपका जो कोण होता है उसका मात्रक होता है रेडियन। तो ये भी आपको याद रखना है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप के पास यदि बुक नहीं है तो ये सारी राशियाँ आपको कल मतलब जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे, लगभग 45 राशियां दी गई हैं, प्रत्येक का वहां पर आपका सूत्र भी दिया है, उसकी विमा भी दी गई है, और एसआई मात्रक भी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास लाएंगे, वहां पर हम अगले जो टॉपिक बचे हैं वो कवर करने वाले हैं। आपका मापन वाला टॉपिक बहुत बड़ा है और कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था आपका, हूबहू क्वेश्चन उठा लिया था यहीं से, कि पानी का घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो इसका मान एसआई पद्धति में ज्ञात करें। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनेंगे या तो प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे, अभी हमें पूरा मैटर आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।